एरिया वाइज बहुत होए है। एक अनपढ़ ब्राह्मण होया दादा लक्ष्मी चंद, थारे मत किसे ने लोगा ने लगाइया ने पूरी रामायण देखी हो? तो बी आर चोपड़ा बीच में रामानंद सागर जी बीच में आके माफी मांगे हैं। अगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं ये सीन दिखा नहीं सका। और वो सीन एक अनपढ़ ब्राह्मण ने गाया है लक्ष्मी चंद ने। देखिए कितना बड़ा ज्ञानी था वो। कौन सा सीन था वो? लड़ाई के मैदान में मेघनाथ मारा जाता है और उसकी पतिव्रता सलोचना अर्थ जुड़ा के युद्ध भूमि के मैदान में जाती है। श्री राम ने वह हाथ जोड़ के पुचकारी। लोगों ने कहा भाई दादा गलत कह गया, हाथ भी जोड़ लिए और पुचकार भी ली, गलत नहीं है। हाथ इसलिए जोड़े कि वो पतिव्रता औरत थी। आओ देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं। और पुचकारी नो वह उससे छोटी थी, आजा बेटी, दोनों हाथों से पुचकारी। ये सीन था वो। रावण के बेटे की बौढ़िया नार सलोचना प्यारी, पति की भुजा कठपड़ी महल में रोई दे किलकारी, अर्थ जुड़ा के गई रणा में जीत सेना जुड़ रही सारी, वह पतिव्रता श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी। फिर वो कटा होया सिर था, उसकी आंसी छूटती है। पतिव्रता का धर्म देख आंसी छूटी कटिए सिर ने, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र। मंदोदरी को सपना आता के महाराज लंका का तो नाश हो गया। रावण ने बोला बावली तो नहीं होगी, तो लंका कन्या देखो देख भी ना सकता बावली। देखिए अमरीका वाले दिनों के बुध ग्रह पर गए, मंगल ग्रह पर गए हैं। रावण की पकड़ सातों लोकों में थी, सात ऊपर सात नीचे, अतुल वितुल सतल तलातल नीचे पाताल, पाताल में शेष नाग जी रहते हैं। जनलोक तपलोक सतलोक जहां सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का वासा है, उड़े तो ही पकड़ थी। और आज तो वैज्ञानिक एक ग्रह पर गए हैं। क्या समझाता है मंदोदरी को, क्या कहा है एक बात में? रावण रावण
400 साल की एक चौकड़ी हो तो 28,000 बरस तो राज राज कर गया और दगे के काबू में था उसके। सुनिए ध्यान से क्या कहा। ओए बीत बेहतर कई चौकड़ी, बीत बेहतर कई चौकड़ी, मन राज करिया से टटके, मेरे हुक्म की करे पालना, जाता ना कोई हटके, बेमाता रही पीस पीसना, पवन पवारी सटके, इंदर छड़का करण लाग रहा, काल कुए में लटके, इंदर छड़का करण लाग रहा, काल कुए में लटके। ओए नजर घुमा के देख बावली, नजर घुमा काम कर रहे पृथ्वी पर और कोई राजा ही कोन्या नवला सब कम है, सब मेरे तलवे चाटे के बांध रख के गिर रखा दराव ने भला। जगमोहन भाई हमारे मित्र हिसार से और 100 रुपये बागन वाला से 100 रुपये भाई ने दिए और भाइयों ने जो इनाम दिया बड़ा बड़ा धन्यवाद। वह भी सुना दूँ अब अगले राउंड में इबद कई कलाकार और रह रहे हैं, सबका नंबर आना चाहिए चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तीसरी में क्या कहा। मंदोदरी ने बोली महाराज लंका की चारों तरफ या फौज अड़ी खड़ी। नवला सुन ले तो मंदोदरी मैं तेरे को बताता हूं। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा था, मैं भी गया था, दो बालक भी आ रहे थे उड़े राम और लक्ष्मण, उनका मेरी सामी केस होता था, पर एक घटना घटी महारानी। क्या महाराज,
जब मैंने धनुष के हाथ लाया तो तीनों लोग थर थर कांपने लागे। मैंने सोची कोई बड़ी अनहोनी होगी, मैंने अंतर ध्यान किया तो रामायण के लेख में कहीं लिखा ही नहीं पाया कि रावण धनुष ने तोड़ेगा। एक जगह मांगेराम ने भी कह रखी है वाल्मीक का लेख देख के हरटो होगी सोची, कंस बैठा लिया अपनी जड़ में घरटो होगी सोची। अगर ऋषि वाल्मीक ने कहीं नहीं लिखा कि इसको रावण तोड़ेगा और तने तोड़ दिया तो जग प्रलय हो जाएगी, मैं उल्टा हट गया क्या कहा वाला। ये नितेश शर्मा जी दादा 500 रुपये नाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ओए जनक भूप ने रचा स्वयंवर, जनक भूप ने रचा स्वयंवर, उड़े सब राजा बुलवाए, मैं भी वहां पे पहुंच गया, उड़े राम लखन तो पाए, उन बड़का की के गिनती मन बड़े बड़े हड़काए, जब लाया मने हाथ धनुष के तीन लोग थर्राए, जब लाया मने हाथ धनुष के तीन लोग थर्राए, मने वरदान मिला शिव जी से, मने वरदान मिला शिव जी से, या दुनिया क्यों रोई, तीन लोग जो दबोन प्योर शर्मा जी का दिनेश, दिनेश भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद, और जिन भाइयों ने नाम दिया उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आखिरी कली में क्या कहा, पतिव्रता स्त्री हूं, सपना तो मेरा भी झूठा नहीं हो सकता, नवला सन मंदोदरी उस स्वयंवर में मैं गया। इससे पहले मैंने इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी, मेरा ध्यान डिग गया और वो धनुष वाला काम मेरे तो नहीं बनया, श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया, वह माला उसके गल की, मेरी तो इज्जत मट्टी में मिल गई। मैंने उसी टाइम प्रण कर लिया था कि जिंदा रहा तो सीता को एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा, इसलिए लिया था। और लोगों उसकी मर्दानगी का सबूत बताता हूं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। नल और नील को श्राप था पिछले जन्म का, वे दोनों ऋषि के आश्रम में रहते थे, ऋषि समुद्र के किनारे,
तपस्या किया करते हुए पानी में डले मारा करते छींट ऋषि के लग गए, तपस्या भंग हो जाती थी। उस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम कम में भी गिरोगे, पानी में थारी चीज डूब को तरेगी। अगले जन्म में वो बानर बन गए और उन दोनों बांदरा ताई सब ने पत्थर पकड़ाए, जिसको राम सेतु कहते हैं, 620 मील लंबा पुल लंका का बना दिया और उसका आजकल उद्घाटन कह दे हैं। उसके हवन के लिए आज तो नेता रिबन काट दे हैं, गाड़े स्मार्ट सिटी बनेंगे, आड़े मेट्रो बनेगी, वह फलानी रेल आओगी, बुलेट ट्रेन आओगी, ये बढ़ने लग रही, जो चलने लग रही। लेकिन हमारे ये प्रथा थी, पहले काम को संपन्न हो जाता जब शीरनी बांटा करते। जैसे 50 साल पहले आता ही छाया बना करते, घर बना करते, छाती पछे शीरनी बांटा करते, कोई पता से बांट दे, शक्कर बांट दे। ये पहला फोटो तरवा के रिबन काट दे, वो बनाओ चाहे मत बनाओ, पुड़िया का भी रिबन पहले काट देंगे। उस हवन के लिए आस पास कोई ब्राह्मण नहीं था, लंका से रावण को बुला के लाए थे। और लोगों लेख बताता है रावण सीता को गैल लेकर आया था, पूरी फौज और दोनों भैया का बेचारा हवन कर गया। जब हमारे नफे के साथ है तो हिम्मत नहीं पड़े, ये मर्द आदमी ये काम हो है। हालांकि उन दोनों भाइयों ने कुछ नहीं कहा कि भाई सीता ने युद्ध करके लेंगे, लेकिन ये मर्द था ज्यादा हिम्मत पड़ेगी न दूसरे की सेना में जाना। और सुनो, इधर धनपत आया हो, धनपत की एक रागनी है लोगो, वीर मर्द के पट्टे जोड़े जो करके देर मिले थे, ल्यात्र याद दवा दूंगा जो हटके फिर मिले थे। उसमें एक लाइन है कि सीताराम से कितने दिन न्यारी रही थी, 14 महीने 10 दिन पाछे फूल बखेर मिले थे, ल्यात्र याद दवा दूंगा जो हटके फिर मिले थे। इसका मतलब ये रहा कि 14 महीने 10 दिन रावण के पास रही सीता, और श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली, जब 100 की 100 सती पाई बा, 14 महीने 10 दिन थोड़े नहीं होते लोगों, जय रावण की वृत्ति खराब होए तो 2-4 महीने का बालक पाओ गोदी में। वे कहते हैं ऐसी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी, क्या कहा दादा ने। जब ते देखा रूप सिया का, जब ते देखा रूप सिया का, कोन्या खून का तुम बड़ी सभा में चक्कर लागी, लेके थाले हाथ में शव का धनुष नहीं टूटा, नो पड़ क्या फर्क पात में, राम के माला गलगी मेरी इज्जत मिली खात में, राम के माला गलगी मेरी इज्जत मिली खात में, अरे कह लक्ष्मी चंदे लंकपति ने, लक्ष्मी चंदे लंकपति ने, नो पड़ तैसिया चोरी रावण।
अब भाई भाई तरण सिंह बहुत बढ़िया कलाकार।